से जो वॉचिंग न्यूज वर्ल्ड, आप सबका स्वागत है मेरी रसोई में। आजकल मार्केट में जहाँ भी जाते हैं हरी हरी सब्जियां ही दिखाई देती हैं। यहाँ पर मुझे लगा क्यों ना इसे एक अच्छी सी डिश बनाई जाए जो ना सिर्फ टेस्टी हो और हेल्दी भी। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं हरी हरी सब्जियों से एक वेजिटेबल स्टीम्ड केक। अब इसके लिए हमें बनाने के लिए जो चाहिए, सबसे पहले हमें लेना है ये दो आलू लिए मैंने मीडियम साइज के, कच्चे आलू थे उनको मैंने घिया कस कर लिया। और इसके साथ साथ हमें चाहिए धनिया, धनिया मैंने एक मुट्ठी धनिया ले लिया है। और मैंने दो प्याज लिए हैं हरे वाले, इनको मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ी सी मैंने ब्रोकली ली है, ज़्यादा नहीं है, ये दो तीन फ्लोरस थे जो मैंने जो काट के डाले हैं। और मैंने दो लहसुन लिए थे हरे वाले, इनको मैंने बारीक काट लिया है। ये है मेरे पास जिंजर और हरी मिर्ची का पेस्ट, मैंने दो जिंजर लिए हैं, सॉरी दो हरी मिर्ची लिए हैं। और मैंने एक डेढ़ इंच का टुकड़ा जिंजर का ले लिया था जिसको मैंने मिक्सी में दो टेबलस्पून पानी डाल के मैंने पीस लिया है। और ये मैंने दही लिया है, ये मैंने लिया है 1/3 कप, और 1 कप सूजी और 1/2 कप बेसन। और मैंने ये लिया है 2 कप भर के मेथी के, जिनको मैंने धो के वॉश करके चॉप करके रख दिया है। और इसके लिए मैं जो ड्राई सामान चाहिए वो है मेरे पास 2 टेबलस्पून रोस्टेड ग्राइंड की हुई बिल्कुल ग्राउंडेड मूंगफली है मेरे पास, और 1/2 चम्मच मैंने सब लिया है हल्दी पाउडर है, लाल मिर्ची का पाउडर है, हींग है, और क्यूमिन है जो मैंने रोस्ट करके पिसा हुआ है। और साथ में 1/2 चम्मच मेरे पास मीठा सोडा है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये 2 टेबलस्पून मेरे पास सेसमी सीड्स हैं, और ये तेल है, और थोड़ा सा पानी। एक मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले मैं डालूंगी, ये मेरे पास सूजी है 1 कप, 1/2 कप बेसन, और ये जो ड्राई वाले मसाले थे मेरे पास हल्दी मिर्ची हींग और भुना हुआ जीरा पिसा हुआ, ये सब मैं डालूंगी इसके अंदर। और साथ में डालूंगी इसमें दही, सब अच्छे से मिक्स करते हैं। दही मैंने जो लिया है मेरा खट्टा दही है, आपके पास खट्टा दही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल दही जो होता है किचन में वो भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरा 2 दिन पुराना था, मैंने वही डाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि मेथी बहुत सारी यूज करने वाले हैं, मेथी का थोड़ा सा कड़वापन होता है जो दही डालने से ठीक हो जाता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, ये है मेरे पास हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट, साथ में आलू, हरा लहसुन, थोड़ा सा ब्रोकली, हरा प्याज, देखिए कितना हरा हरा ऐसा रहा है, नीरूज वर्ड में आज हरियाली छाई हुई है। ये धनिया है 1 मुट्ठी और 2 कप मेथी कटी हुई बारीक कटी हुई, बस अब इन सबको हमने अच्छे से मिलाना है। और एक थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हमें एक बैटर बना लेना है, बहुत पतला नहीं करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे पानी, ज़्यादा नहीं डालना है ताकि ये बहुत पतला नहीं हो जाए, बस इसको अच्छे से हमने मिलाना है, एक बैटर बना लेना गाढ़ा सा, क्योंकि सब्जियां जो हमने डाली है ना वो भी अपना पानी छोड़ती है, ज्यादा हमने इसको पतला नहीं करना है। मैं इसमें डालूंगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। अब इसको मैंने अच्छे से हिलाना है और थोड़ा सा इंतजार करना है हमें ताकि ये थोड़ा सा पानी इसमें और डालेगा, क्योंकि सूजी डाली है हमने, बेसन डाला है, सूजी अभी इसमें फूलेगी। अभी ये बहुत गाढ़ा है, हमें इससे थोड़ा पतला बैटर चाहिए। अब ये थोड़ा सूजी को फूलने का इंतजार करेंगे, सब थोड़ी सब्जियां भी अपना पानी छोड़ेंगी, थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये फूलेगा, तब तक हम एक पैन रखेंगे गैस के ऊपर और गैस करते हैं ऑन। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना, 1 टेबलस्पून ऑयल, और
और इसमें मैंने ये 2 टेबलस्पून सेसमी सीड लिए हैं, इनमें से मैं आधे अभी इसमें डाल दूंगी और आधे मैं डालूंगी बाद में। इधर हम अपना स्टीमर भी ऑन कर लेते हैं। बस हमारे तिल अब हो गए हैं रोस्ट, अब गैस करते हैं बंद और ये हम डाल देंगे इसके अंदर सारा। इसको हिला लेते हैं अच्छे से। देखिए थोड़ा सा बैटर पहले से हमारा लूज हो गया, सब्जियां पानी छोड़ती हैं। अभी भी थोड़ा सा ये टाइट है, हम थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डालेंगे। ये पानी का जो है ना क्वांटिटी, ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि जब आप बनाएंगे आपको खुद देखना पड़ेगा इसकी कंसिस्टेंसी आपको कैसी रखनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जियां पानी ज्यादा छोड़ देती हैं और कभी कभी सूजी पे बेसन पे भी डिपेंड करता है, वो पानी ज्यादा सोक करता है, कभी कभी कम करता है, तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये क्रस्ट मूंगफली है मेरे पास जो मैंने भून के, और इसको दर्द कोई बताना मोटा है कोई पतला है, इसको मैंने ऐसे करके रखा हुआ। ये भी इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और सब्जियां भी सारी जो मैं डाल रही हूँ, जरूरी नहीं है आपने यही डालनी है, आप इसमें शिमला मिर्च डाल दें, आप आलू की जगह पे इसमें गाजर डाल सकते हैं, जो आपका मन करे आप वही डाल सकते हैं। चलिए बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है अच्छे से सारा, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसको जिसमें मुझे इसको स्टीम करना है उस स्टीम में इसको मैं डालूंगी। स्टीमर मेरा गर्म हो चुका है एकदम से, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून मेरे पास है ये मीठा सोडा। मीठा सोडा डाला है तो इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि ये अच्छे से अपना काम करे। अब इसको अच्छे से मैंने हिला देना। मीठा सोडा डालने के बाद आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, नहीं तो उसका जो फायदा है वो मैं नहीं ले पाता अच्छे से, आपका ये फूलेगा नहीं। अब ये हो गया मेरा, ये हो गया मिक्स। अब मैं इसको जिसमें मुझे करना है स्टीम उसमें इसको मैं पोर कर रही हूँ। अब मैं इसको देखिए स्टीमर एकदम गर्म है, अब मैं इसको रखूंगी इसके अंदर स्टीम करने के लिए। कवर कर देती हूँ इसको और गैस को कर दूंगी 2 मिनट के लिए। मेरी गैस हाई पे रहेगी, 2 मिनट के बाद मैं गैस को मीडियम हाई पे कर दूंगी और 20 मिनट तक इसको स्टीम करूंगी। 15 मिनट में मैं आके बन इसको चेक भी कर लूंगी, अगर कुछ लगेगा हो, कभी कभी जल्दी हो जाता है। अब इसको 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने 15 मिनट पेपर चेक किया था टूथपिक के साथ तो वो मेरा गीला निकल रहा था, तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए रोस्टिंग दे दी। अब मैं खोल के देखूंगी कैसा है। देखिए टूथपिक से देखते हैं, टूथपिक हमारा एकदम से क्लियर आ रहा है, इसका मतलब ये देखो बन चुके हैं। अब मैं गैस करती हूँ बंद और इसको मैं अब मैं इसको बाहर निकाल के रखूंगी, लेकिन इसको मैं अभी डीमोल्ड नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अभी ये एकदम से गर्म है, मैं इसको डीमोल्ड करूंगी तो टूट सकता है। ठंडा होने के बाद डीमोल्ड करेंगे और फिर इसको एक हम तड़का लगाएंगे अच्छा सा, फिर हम इसको खाएंगे। देखिए मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया है, कितना अच्छे से बन गया एकदम फर्स्ट क्लास। अब हम इसको लगाएंगे तड़का। ये पैन को हम करते हैं गर्म और इसमें मैं डालूंगी ये ऑयल, ज्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ज्यादा कैसा खाना चाहते हैं। आप चाहें तो इसको देसी घी का तड़का भी लगा सकते हैं, मेरे पास ये मूंगफली का तेल है। चलो तेल गरम हो रहा है, ये जो हमने बचा के रखे थे ना सेसमी सीड्स, ये हम इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून हमने पहले यूज किया था और 1 टेबलस्पून बस बचा हुआ है, बस इसको
थोड़ा सा हम करेंगे गरम। ये हमारे सेसमी सीड अब जो है, देखिए अब ये थोड़े थोड़े इनका कलर चेंज हो गए। अब मैं क्या करूंगी, आधा इसमें से मैं निकाल लेती हूँ, इसमें कटोरी में आधा हम अभी यूज करेंगे, आधा हम करेंगे बाद में। अब देखिए अब मैं इसको उठा के ऐसे कैसा इसके अंदर रख देती हूँ अच्छे से तड़का लगाने के लिए। इसको आप चाहें तो इसको कवर करके भी रख सकते हैं, जो हम गैस धीरे कर दें मीडियम पे और फिर धीरे धीरे पकने लेंगे। जब ये हमारा नीचे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब तक हमें इसको सेक लेना है। थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। इधर से क्रिस्पी हो जाता है फिर हम उसको दूसरी तरफ से पलट देंगे। एक साइड हमारी नीचे से मुझे दिख रहा है गोल्डन हो गई है, अब मैं इसको फ्लिप करूंगी। ऐसे हम इसको फ्लिप नहीं करेंगे। अब गैस को मैं करती हूँ बंद के लिए धीरे और ये प्लेट रखूंगी इसके ऊपर ऐसे, और इसको हम कर देंगे ऐसे फ्लिप। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया हमारा। अब ऐसे ही हमने जो बाकी का हमने तेल बचाया था ये हम डालेंगे इसके अंदर। अब हम इसको ऐसे इसके अंदर डाल देंगे और इधर से भी ऐसे ही सेम जैसे इधर से पकाया इधर से भी ऐसे पका लेंगे। दूसरा नीचे से भी हमारा बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया, एकदम से फर्स्ट क्लास क्रिस्पी कुछ भी दिख रहा है मुझे साइड से। अब मैं आपको खा के बताऊंगी इसकी प्लेटिंग करके कैसा लग रहा है। इतना अच्छा बना कि रुका नहीं जा रहा। मैं खा रही हूँ इसको केचप के साथ, आप चाहें उसको हरी चटनी के साथ खाएं, इमली की चटनी साथ, ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा बाहर से क्रिस्पी सेसमी सीड्स का मजेदार फ्लेवर, जो गार्लिक डाला हमने इसके अंदर कच्चा वाला, इतना अच्छा फ्लेवर दे रहा है, बहुत ही अच्छा बना। सर्दियों के लिए बेस्ट है, अगर बच्चे सब्जी नहीं खाते तो जरूर उनको ऐसे बना के खिलाएं, आई एम श्योर वो जरूर खाएंगे। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।